नालको एक अच्छा कंपनी है। इसके जो बेसिकली काम होता है, जो रॉ निकालते हैं माइनिंग करके, रॉ मटेरियल निकालते हैं उसको एक्सट्रैक्ट करना और एल्यूमिनियम के पाउडर बनाना, मेनली पाउडर बनाते हैं, ठीक है, या फिर कहीं शीट बना के बेचते हैं, ठीक है। बिकॉज मेरे को कैसे पता पाउडर बनाते हैं, बिकॉज इसमें एक मेरे नोन पर्सन काम करते हैं ऑपरेशन में काफ़ी साल से हैं, तो इसलिए मुझे पता है। तो नालो काफ़ी अच्छा कंपनी है, इनका अभी रिक्रूटमेंट निकला है, तो पोस्ट क्या है, GET का पोस्ट है, ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी का पोस्ट है। तो आइए देखते हैं, खास बात क्या है, इसमें जो वैकेंसीज निकला है काफ़ी अच्छा नंबर ऑफ वैकेंसीज निकला है, तो अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छा है बहुत सारे बच्चों के लिए। तो यहाँ पर बात करते हैं आपके वैकेंसीज, देखिए मैकेनिकल का 127 है, इलेक्ट्रिकल का 100 है, इंस्ट्रूमेंटेशन का 20 है, मेटलर्जी का 10 है, केमिकल का 13 है और केमिस्ट्री का 7 है। टोटल वैकेंसीज इसमें क्या है, 277 है। एज लिमिट की बात करेंगे तो यहाँ पर आते हैं। अच्छा, यहाँ पर देख लीजिए, क्वालिफिकेशन जो है बीटेक वाले का मिनिमम कितना है, 65% मार्क्स चाहिए मिनिमम, ओके। एंड एमएससी वाले का जो है इसमें भी 65% बोला है, जो यहाँ पर एक पोस्ट बोला है ना केमिस्ट्री का, उसके लिए, ओके। ये हो गया आपका मेन क्वालिफिकेशन, इतना तो चाहिए ही चाहिए आपको, ओके। और आपका कॉलेज AICTE या फिर UGC अप्रूव्ड होना चाहिए, ओके। नेक्स्ट, कौन कौन से ब्रांचेस एलिजिबल हैं, बिकॉज बहुत सारे बच्चे अगर मान लो ऑटोमोबाइल से पढ़े हैं तो बोलेंगे क्या सर मैकेनिकल का पेपर का मैं दे सकता हूँ क्या? नहीं, दे नहीं सकते। इसमें देखो एलिजिबल कौन है, मैकेनिकल एंड प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिक में कौन एलिजिबल है, इलेक्ट्रिकल एंड पावर इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन में इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इसमें एलिजिबल है, मेट्रोलॉजी में मेट्रोलॉजी एलिजिबल है, केमिकल में केमिकल और एमटेक इन अप्लाइड केमिस्ट्री एलिजिबल है, केमिस्ट्री में एमएससी केमिस्ट्री और AIC उसका होना चाहिए, ओके। एज लिमिट कितना है, 30 ईयर्स का एज लिमिट है, 30 साल का एज लिमिट होना चाहिए। और रेफरेंस डेट कौन सा लेंगे आप, 2/4/2024 का रेफरेंस डेट लेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, इसमें जॉब लेने का जो प्रोसेस है दो है, एक इंटरव्यू होगा और एक गेट 2023 का स्कोर कार्ड का यूज़ करेंगे। यहाँ पर देखेंगे आप कि यहाँ पर गेट 2023 का स्कोर कार्ड का यूज़ करेंगे प्लस इंटरव्यू, दोनों को मिला के बेसिकली यहाँ पर आपका सिलेक्शन का प्रोसेस होने वाला है, ओके। नाउ कितने बच्चे बुलाएंगे, वन एक सीट पर 3-10 बच्चों को बुलाएंगे यहाँ पर, तो काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है, ओके। नाउ बात करते हैं कौन कौन सा पेपर आपको देना होगा। जैसे मैकेनिकल वाले XE का पेपर देते हैं, वो एलिजिबल नहीं है भाई। आपका ME का पेपर कोड होना चाहिए, ई का, इलेक्ट्रिकल का, इंस्ट्रूमेंटेशन का, IN का, मेट्रोलॉजी का, MT का, केमिकल का, CH का और केमिस्ट्री का, CY का, ये आपका पेपर कोड होना चाहिए, ओके। नेक्स्ट, फाइनल सिलेक्शन बता चुका हूँ, कंपेंसेशन पैकेज कितना मिलेगा। इसमें एक है ट्रेनिंग पीरियड का और एक है आफ्टर ट्रेनिंग। ट्रेनिंग पीरियड में आपका पैकेज इसमें कितना लग जाएगा, लगभग 11 लाख का CTC है, आफ्टर ट्रेनिंग 14-15 लाख का CTC मेरे को लगता है इसके हिसाब से होगा, असिस्टेंट मैनेजर के हिसाब से होगा। थोड़ा सा और मिल जाए तो 17-18 लाख तक जा सकता है, अगर ये इंक्रीमेंट कितना मिलेगा यहाँ पर इन्होंने बताया नहीं, ओके। नेक्स्ट, प्लेसमेंट का इन्होंने बोला है कि ट्रेनिंग पॉलिसी कंपनी होगा, वो कंपनी का सब कुछ होता है, 1 ईयर जॉब ट्रेनिंग चलता रहता है। एज रजिस्ट्रेशन क्या होगा, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो रूल है उसी को यहाँ पर भी फॉलो किया गया मेरे हिसाब से, ओके। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसमें एक सर्विस बॉन्ड रहता है, अगर ट्रेनिंग करते हो भैया तो 4-5 लाख का बॉन्ड रहता है लेना। अच्छा, इसका जो पोस्टिंग होता है जितना मेरे को पता है, एक जगह है आंध्रा और उड़ीसा के बॉर्डर में, वहाँ पोस्टिंग होता है, और भी है अंगूल साइड भी है, वो भी उड़ीसा में, उड़ीसा में बहुत सारे इसके प्लांट हैं, ओके। नेक्स्ट, मेडिकल फिटनेस तो चाहिए। अच्छा, यहाँ पर बता दूँ ये इंपॉर्टेंट है, अगर किसी को कलर ब्लाइंडनेस है तो शायद उसको नहीं मिलेगा, बिकॉज लास्ट ईयर ही एक मेरे नोन का हुआ था उसका सिलेक्शन, तो लेकिन उसका हो गया सब कुछ, बस मेडिकल में होता और जॉब लग जाता, लेकिन मेडिकल में उसे कलर ब्लाइंडनेस का प्रॉब्लम था इसलिए हो नहीं पाया, ओके। नाउ एप्लीकेशन फी कितना लगेगा, 500 रुपया लगेगा इन लोगों के लिए, 500 रुपीज़, एंड अदर कैंडिडेट्स इंक्लूडिंग कैंडिडेट्स रिक्वायर्ड 100 रुपया मिलेगा, बाकी तो इनके लिए 500 रुपया, जनरल OBC WS 500, बाकी सबके लिए 100 रुपये का फीस लगेगा। अप्लाई कहाँ से करना है, nalcoindia.com पर जाके अप्लाई करेंगे आप। इसमें और कुछ खास तो है नहीं मेरे हिसाब से, आपको बता चुका हूँ, ये जनरल इंस्ट्रक्शन है, आप पढ़ सकते हैं आप। अगर हाँ, एक बात है, ओपनिंग डेट और लास्ट डेट बताओ, ओपनिंग डेट तो हो चुका है ऑलरेडी, नहीं, ओपनिंग डेट होने वाला है, 4/3 को ओपनिंग होगा,
4 मार्च को होगा एंड लास्ट डेट 2 अप्रैल को होगा। ओके एंड लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन 2 अप्रैल को ही भी है, 4-5 बजे बता रखा है इन्होंने। तो किसी को फॉर्म भरना है भर देना भाई, 4 तारीख को इसका आ गया नोटिफिकेशन, ठीक है, मतलब 4 तारीख को इसका फॉर्म ओपन हो जाए, नोटिफिकेशन तो आ चुका है ऑलरेडी। तो यही था आपका बेसिकली जितना भी मैंने आपको बताना था किसके बारे में, नालको के नोटिफिकेशन के बारे में। आई होप यू ऑल यू गॉट ऑल द इन्फॉर्मेशन, थैंक यू भाई। अच्छा और एक बात, अगर मान लो किसी भी स्टूडेंट को इंटरव्यू का हेल्प चाहिए, आपका अंग्रेजी कमजोर है, आपको समझ में नहीं आ रहा है चीज़ें, तो भाई आप हमारे एक कोर्स बाय कर सकते हैं, वो काफ़ी अच्छा कोर्स है, ठीक है, वो प्राइस भी बहुत अफोर्डेबल है, जिस हिसाब से वहाँ पर पैसा है बहुत अफोर्डेबल प्राइस में दे रहे हैं उस कोर्स को। वो इंग्लिश का बेसिकली आपका फंडामेंटल क्लियर करवा देगा, तो उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं, 500 रुपये का कोर्स है और 100 रुपये आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, 399 रुपीज़ का होगा। फिर डिस्काउंट का प्रोमो कोड इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और ये लिंक आपके डाल दूंगा। ये कोर्स कहाँ गया भाई, कोर्स इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इतने तक वीडियो में, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।